हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु सिंगल। स्वागत है भाई आपको एक नई वीडियो में। आज आपको दिख रहा होगा मैं MT-15 की वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये है ना, काफ़ी बाइक आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग चल रही है और जो इसके ओनर है वो भी इसको इसी वजह से लाए हैं कि इंस्टाग्राम पे इतनी ट्रेंडिंग चल रही है। बाइक आप 390 वगैरह देखते हो, बहुत टाइम से चल रही थी, लेकिन अब थोड़ी मिड सेगमेंट में अगर हम बात करें तो बहुत कम बाइकें बचती है जो स्पोर्टी लुक और पावर आपको सारी चीज़ें मतलब बढ़िया फीचर्स के साथ। फीचर्स भी बहुत है इसमें, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे आपको फ्रंट में DRL और प्रोजेक्टर तो दिख ही रहे होंगे, और भी इसमें बहुत फीचर्स है जैसे USD फोक्स वगैरह हो गए। तो अभी इसके साथ साथ ना मैं आपको ओनर से मिलवाऊंगा, पूछेंगे वो इस बाइक को कब लेके आए और यही बाइक क्यों लेके आए। तो आज अपने साथ जुड़े हैं भाई अनिल भाई। तो अनिल भाई, क्या हाल है? बढ़िया यार। तो भाई कब लेके आए थे बाइक? भाई 15 दिन हो गए बाइक को लाए हुए। तो MT ही क्यों, ये बताओ पहले। तो MT भाई आज का ट्रेंडिंग है बहुत है भाई, वायरल। इतनी भाई रील्स देखते हैं, बहुत रील्स देखते हैं भाई, सिर्फ MT दिखती भाई, और भी बहुत सारी बाइक दिखती है, पर MT बहुत ज्यादा क्रेज में आ रही है। तो आपको ये नहीं लगा कि मैं अपनी कोई और बाइक ला के उसको फेमस करूं, या फिर जो ट्रेंड चल रहा है उसी को फॉलो करूं? भाई आजकल लोग ट्रेंडिंग में ज्यादा फॉलो करते हैं, तो ऐसा नहीं सोचा कि मैं खुद ही ट्रेंड बना दूं ना यार। आजकल ट्रेंड बनाने वाले बहुत भी है। अच्छा, और बहुत है मतलब जो फेमस है ऑलरेडी। तो भाई अब ट्रेंड के साथ चलेंगे। भाई। तो भाई मतलब MT ही क्यों, ये बताओ मेरे को। एक तो वो रीजन हो गया इंस्टाग्राम वाला, इससे भाई इसका लुक बहुत प्यारा यार। इसकी आंखें आपको एक बार जलाना भाई, DRL जलाओ इसकी, दिखाई देते आप बता ही रहे हो। तो देखो भाई, जो 2 DRL है पूरी एलियन लुक देती है, डेविल लुक बिल्कुल। भाई लुक लगता है भाई, कोई पैंथर और ब्लैक पैंथर टाइप का। हाँ मतलब तो है ब्लू तो, लेकिन वो ब्लैक पैंथर लगता है ये थोड़ा। और भाई इसमें सिंगल ए भी है, बाकी भाई भाई स्पीड बढ़िया है, माइलेज भी ठीक है। और माइलेज के लिए जैसे R15 और ये सेम ही बाइक है, इंजन वाइज तो सेम बाइक है और जो भी है। तो R15 भी मैंने देखा है कि 45 के आसपास एवरेज दे देती है भाई, वो उतनी सेम ए भी दे रही है। सेम दे रही है ये भी, सेम ए भी दे रही है। बाकी अब आपके डिपेंड करता है कितना भगा रहे हो आप। हाँ मतलब अब कान मरोड़ोगे तो कुछ भी एवरेज, स्प्लेंडर भी नहीं देगी फिर तो। तो भाई कितने की पड़ी थी आपको ये? भाई 198 की पड़ी है मुझे कैश पे। अच्छा कैश में, मतलब अगर कोई वैसे लेगा तो 220-230 की पड़ेगी। हाँ भाई 230 आप अगर जब 24 महीने किस्त बनवाते हैं, 24 महीने की ईएमआई बनवाते हैं, तो भाई आपको 1.5 लाख पड़ जाएगा आराम से, 2.5 लाख सॉरी। हाँ मतलब 24 महीने में 2 साल हो गए। हाँ 2 साल के 2.5 लाख पड़ जाएगा आपका बच्चों। तो भाई जैसे आप बता रहे हो कि 198 की लाए, 2 लाख की पड़ गई आपको, ये मान लो एक्सेसरीज वगैरह लगवा के भी बहुत है इसकी भी। हाँ वो अलग चीज़ है, लेकिन इस प्राइस रेंज में एक बाइक और है जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, और इससे ज़्यादा फीचर्स तो नहीं है लेकिन थोड़ी पावर वाइज वो थोड़ी ज़्यादा है। जैसे जिक्सर की 250 जो नेक्ड वाला वर्जन आता है, उसमें 250 cc का इंजन आता है, पावर भी उसकी 30 BHP कुछ है। इसकी कितनी है? 18 होगी इसकी, 18 BHP उसकी 30 BHP है, फिर पावर का इतना डिफरेंस, और वो 185 कुछ की आती है। तो वो क्यों नहीं कंसीडर करी आपने? पहले पता ही ना उसके एडवर्टाइजमेंट में है ही नहीं भाई की मार्केट में, मार्केटिंग है ही नहीं उस बाइक की, ये सिर्फ अपनी हायाबुसा वगैरह दिखाते हैं, उसको पता ही नहीं था किसी को, नॉर्मल पब्लिक। अच्छा अगर आपको पता हो तो ले लेते। हाँ वही लेता, फिर जब 250 cc मिलेगी भाई बजट के हिसाब से, वो भी थोड़ा प्राइस कम है। हाँ, लेगा बंदा अगला तो वो बंदा लेगा। बस वही अगर सुजुकी थोड़ा मार्केटिंग में अपना काम करे तो भाई बंदे ले सकते हैं गाड़ी, कोई ले सकते भाई, उससे थोड़ा लुक भी ठीक है, कलर भी उसका ब्लू आता है बढ़िया। हाँ मतलब बढ़िया कलर से, लेकिन इसकी लुक फिर कुछ हो जाती है डिफरेंट, वो जो एलियन लुक हम बता रहे थे। तो अच्छा ये बताओ इसमें खास फीचर क्या क्या है जो आपने यही कंसीडर करी? भाई खास फीचर से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, इसमें है ब्लूटूथ, दिखाओगे एक बार? बॉक्स है, अभी कनेक्ट नहीं है, बाकी अभी नई बाइक है कनेक्ट दिखा देता। क्या बताता है ब्लूटूथ कनेक्ट वाले आपको? ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये ना ये चीज़ बताती है आपकी कॉल मैसेज वगैरह बैटरी। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा आपका, शो करेगा ऊपर सारी चीज़ें। अच्छा जैसे इसमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स बता रहे हो, इसमें वो है ना मेरे ख्याल से क्विक शिफ्टर है, इसमें क्विक शिफ्टर भी है, क्विक शिफ्टर है इसमें जो R15 में नया V4 में आ रहा है। BBS सिस्टम भी है, मतलब इसका सर आप ये समझ लो आप भगा रहे हो। ABS? हाँ अच्छा, ABS तो है। हाँ, BBS सिस्टम आता है हर मतलब R15 में भी, इसमें भी VVS सिस्टम आता है। अच्छा VVA? हाँ VVS, वेरिएशन वाल्व एक्टिवेशन। चलो भैया जिसके बाइक वो कलर बहुत अच्छा लगा मुझे इसका कलर। तो भाई देखो यामा का रेसिंग ब्लू अपना ट्रेडमार्क है, बहुत भाई बहुत ज्यादा ट्रेंड, बहुत जेन्युइन कलर लगता है ये भी। और इसके सीट भी थोड़ी छोटी है बट बाकी बहुत लगते हैं फैमिली वाइज के लिए तो ठीक है, फैमिली वाइज ठीक है, अकेले राइड करने में बहुत बहुत बेटर है। इसकी सीट भी बहुत बढ़िया है और वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, अगर आप बाहर हो ना 110-120 पे कोई वाइब्रेशन नहीं आती है, वो तो जापानीज टेक्नोलॉजी है, वाइब्रेशन इसमें भी होगी तो नॉर्मल है भाई, नॉर्मल बात है। और मैं देख रहा हूँ जैसे ये क्लच टूट गया इसका, इसका क्या रीजन है भाई? अभी तो 15 ही दिन हुए हैं लाइव भाई, अब थोड़ी वैली वगैरह कर रहे थे, गिर गए थे उसमें। क्या कर रहे थे? व्हीली कर रहे थे। अच्छा व्हीली कर रहे थे, तो भाई ये चीज़ गलत है, और आप भी अगर करो तो ऐसे खुले रोड्स पे करना, अभी अभी खुले रोड्स पे आए हैं, बाकी हम रिकमेंड नहीं करते कि आप व्हीली वगैरह करो। बाकी सबके स्टैंड है, बाकी सबका अपनी मर्जी है, बाकी सबका अपनी मर्जी है, कौन किसी कहने से नहीं रुकता। तो और बताओ इसमें भाई कुछ, इसकी आवाज़ सुनाओ एक बार तो हमें। आवाज़ देख लो भाई, भाई जैसे इसकी आवाज़ थी, आवाज़ तो इसकी मतलब नॉर्मल 150 cc वाली बाइक जैसी है तो ये 150 cc स्मूथ है। तो इसमें एग्जॉस्ट वगैरह का प्लान है कुछ? हाँ सोच रखा है, सोच रखा है।
तो मतलब लाउड वाला है थोड़ा बेसी, थोड़ी लाउड सा बेसी भी एक मिक्स आता है, बढ़िया आता है एसी का, बढ़िया है, ज्यादा लाउड भी नहीं है आपके, अगर चलान वगैरह कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। अच्छा, हल्का साउंड है उसका, ज्यादा हल्का साउंड है। तो अब ये बताओ कि आपने लेने के बाद, मेरे को दिख रहा है थोड़ा बहुत तो काम आपने कराया, तो काम क्या क्या करा वो बताओ एक बार मुझे। अभी तो मैंने सिर्फ पीछे इसके टेल लगवाई है, नई नंबर प्लेट वाली। अच्छा, टेल आईडी, ये फोल्ड भी हो जाती है ना? हाँ, फोल्ड नहीं होती है, फोल्ड नहीं होती है, एक फोल्डिंग वाली भी आती है ना? हाँ, एक फोल्ड वाली भी आती है, पर ये बेटर लगती है मुझे, फोल्ड वाली में क्या कभी कभी आपको खराब हो जाता है फोल्ड होने वाला। और इसके एलईडी लगाए आगे, हाँ ये एलईडी लाइट, एलईडी लाइट है। और अगर आप ये हटा दोगे ना तो और लुक बन जाएगी बाइक की। भाई बनवाएंगे अभी, वो भी करवाएंगे धीरे धीरे, मतलब अभी तो 15 दिन हुए हैं, आप एक बार जब ये मॉडिफाई होगी ना तब इसकी एक बार फिर वीडियो बनाएंगे इसकी। मैं भाई आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, आप कमेंट में बताना कि आपको इसकी मॉडिफाइड की वीडियो चाहिए या नहीं, तो फिर जैसे जितने कमेंट आएंगे हम उस हिसाब से फिर इसकी वीडियो शूट करेंगे, और प्रॉपर वाली भैया बिल्कुल बढ़िया सिनेमेटिक के साथ शूट करेंगे। एक बार इसका हॉर्न और सुनाओ भाई हमें, हॉर्न कैसा है इसका? हॉर्न तो स्प्लेंडर वाला ही है ये भाई, थोड़ी बाइक कमियां खा जाती है। एक चीज और अच्छी है यहाँ पे, इसमें एलईडी लाइट्स मिल रही है सारी, और वो भी प्रोजेक्टर के साथ। जलाना भाई एक बार, हाई बीम करो भाई। तो भाई रात को रिस्पांस कैसा है इसका? रात रिस्पांस बात काफी अच्छा है, मतलब चेंज तो खैर होगी नहीं है, चेंज होती नहीं क्योंकि जैसे हम नॉर्मल बाइक है इसमें बल्ब बदलवा सकते हैं, चेंज का इसमें नहीं होती, इसमें नहीं होती चेंज, इसमें एक ही पूरा ब्लास्टर वगैरह दे रखा है, पूरा ये चेंज अगर होगा तो पूरा चेंज होगा अंदर से, फिर वो फिर लुक नहीं बनेगी इसकी बाइक की। और आजकल सेम चीज उसमें भी आ रही है, R15 में भी ऐसी प्रोजेक्टर देने लगी है अभी, R14 V4 में आ रहा है। अच्छा, जैसे मैं पीछे देख रहा था आपने इंडिकेटर बदलवा रखे हैं, आगे क्यों नहीं बदलवाए? आगे अभी चेंज करवाऊंगा, पीछे क्या वो नंबर प्लेट के साथ आ गए थे इंडिकेटर, हाँ। वो लगने थे। अच्छा, वो मतलब उसी टेल टाइडी के साथ ही आए, टाइडी के साथ आए थे, वो चेंज करवाए थे, बाकी अभी करवाऊंगा, कल परसों में करवाऊंगा मैं भी। अच्छा, और इसमें फ्लैशर्स वगैरह भी लगवाए हैं? हाँ, फ्लैशर जो अपने चारों इंडिकेटर चलते हैं वो अभी नहीं लगवाए, वो नहीं लगवाए, वो भी चलो भाई धीरे धीरे सारे काम हो जाएंगे, काम धीरे धीरे करेंगे, अभी तो इतना बचत था, बाकी ये ले आए वही बहुत बड़ी बात है, बाकी धीरे धीरे सारे काम हो जाएंगे। और भाई कुछ रिकमेंड करना चाहोगे मेरे व्यूअर्स को कि कैसी है ये बाइक? देखो कमियां भी बहुत हैं पर फीचर्स भी बहुत हैं, ठीक है। अब दोनों का सबसे बड़ा फीचर तो ये है कि लुक्स, बहुत लुक्स भाई, आज के ट्रेंड में आज के लोग वही देखते हैं जो ट्रेंड में है, हाँ ठीक है, वही चीज है इसमें। पीछे जब 390 का ट्रेंड चला था सबने 390 भर दी थी, 390 था उसका, अब थोड़े टाइम पहले GT का भी ट्रेंड चला था तो सबने GT भर दी थी, अब इसका ट्रेंड चल रहा है, MT ले रहे हैं, कुछ टाइम बाद कोई नई बाइक आएगी उसका ट्रेंड चलेगा वो भी लेंगे लोग। हाँ भाई, लोगों की चॉइस है, कुछ भी ले सकते हैं, अपने डिपेंड करता है आपको क्या पसंद आता क्या नहीं आता, ठीक है। किसी को कुछ पावर चाहिए, किसी को कुछ, किसी को सिर्फ लुक से, पावर से मतलब, किसी को जैसे आप सिटी में चलाओगे मेरे हिसाब से ज्यादा मैं सिटी में राइड करूंगा तो सिटी में राइड करने के लिए तो नॉर्मल है, इतनी पावर तो बहुत है, इतनी बाइक कंफर्टेबल, ज्यादा पावर ही फिर जर्क मारने लग जाती है, 390 अपनी हीट बहुत होती है, बहुत ज्यादा हीटिंग है, इसमें कूलिंग सिस्टम भी दे रखा है, हाँ इसमें रेडिएटर दे रखा है, ऑयल कूल्ड है ये, फिर लिक्विड कूलिंग है तो ये भी ठीक है भाई, तो गर्म होता नहीं। तो देखो भाई इतना था इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और भाई की इंस्टाग्राम आईडी नीचे आ रही होगी, भाई को जरूर फॉलो करें, यूट्यूब चैनल का नाम भी बताओ भाई। हाँ सर, सेम है यूट्यूब जो और इंस्टाग्राम सेम ही नाम बताओ एक बार, दानिल सेवन राइडर। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिख रहा होगा, भाई को जाके फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और भाई ने भी अभी बाइक लेते साथ ही अपना चैनल शुरू किया, तो भाई को सपोर्ट जरूर करें, शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगी, प्रॉपर वीडियो भी पूरा सेटअप रेडी हो रहा है भाई का, वो भी धीरे धीरे सारी चीज मिलेगी, पूरा ब्लॉग मिलेगा, रिएक्शन वीडियो में जाते रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा, लोगों क्या रिएक्शन होते हैं ज्यादा लाउड स्पीकर सुन के, और हाँ मतलब ये जो भी नॉर्मल अपनी वीडियो चलती है। तो देखो भाई इतना था इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।